दोस्तों, अगर आपका भी गूगल एडसेंस बंद हो चुका है, परमानेंटली बंद हो चुका है, तो हमारे प्यारे शर्मा जी ने एक तरीका बताया था जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से। जहां दोस्तों पिछले वीडियो में शर्मा जी ने बताया था कि आप किस तरह से बिना एडसेंस के भी यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में देखूंगा क्या वो सही होता है या गलत है। दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा क्या ये सही है या गलत है, तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल सिंबल को इनेबल करके रखिएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं शर्मा जी ने क्या सॉल्यूशन दिया है और मैं आपको सुनाता हूं क्या उन्होंने कहा है अपने वीडियो में, और वही काम मैं यहां पर आपके सामने करूंगा और क्या वो सफल हो पाता है या नहीं। तो चलिए देखते शर्मा जी ने क्या कहा। अगला सवाल है राजू कुमार का, वो कहते हैं कि मेरा एडसेंस परमानेंटली सस्पेंड हो गया है, अपील किया था पर बात नहीं बनी, मेरे सब्स बढ़ रहे हैं, क्या करूं। तो MCN आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो इंडिया के ही ज्वाइन करना, जो फ्रीडम वगैरह वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल जिनका सस्पेंड हो चुका है तो उन्होंने MCN ज्वाइन कर लिया है, अब वहां से वो अर्निंग ले रहे हैं। लेकिन जिनका सस्पेंड हो गया है वही यूज करें, जिनका चल रहा है वो गलती से भी MCN में मत जाइए, क्योंकि उनके पास वापस लौटने का। तो दोस्तों, शर्मा जी ने कहा कि आप कोई MCN ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपका एडसेंस बंद हुआ है तो आप फ्रीडम या कुछ भी इंडिया में जो चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं जो मेरा चैनल है, 2 महीने पहले एडसेंस बंद हो चुका है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, और मेरे चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। यहां पर देख सकते हैं 00 है, और यहां पर देख सकते हैं मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑफ है, यानी डिसेबल किया गया है, गूगल एडसेंस मेरा बंद है। अब चलिए देखते हैं लाइव प्रूफ कैसे यहाँ पर होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मेरा गूगल एडसेंस जो है वो परमानेंटली बंद हो चुका है, डिसेबल हो चुका है, मुझे कोई भी अर्निंग्स यहाँ पर यूट्यूब से नहीं हो रहा है। अब चलिए देखते हैं गूगल में, हम यहाँ पर सर्च करेंगे MCN जो भी है, शर्मा जी ने बताया था फ्रीडम इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे ज्वाइन कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, मैंने पहले भी ट्राई किया है, फिर भी मैं आपके सामने अभी ट्राई करूँगा ताकि आप देखें कि शर्मा जी ने जो बताया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो अभी स्टेटस है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो चैनल है यहाँ पर यहाँ एवरीथिंग है एक्टिव यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा जो स्टेटस है यह पेंडिंग है। क्यों? यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, अनेबल टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप कोई भी गूगल का प्रोडक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका एडसेंस बंद है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर फिर से ऐड करके आपके सामने दिखाऊँ, अपना चैनल ऐड कर लूँ, मैं अपना चैनल फिर से आपके सामने ऐड कर लेता हूं, तो फिर से मुझे यहां पर वही नोटिफिकेशन आता है कि मेरा यहां पर पेंडिंग में है, और बताया जा रहा है कि आपका जो है यहां पर गूगल प्रोडक्ट का आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका एडसेंस बंद है। आप चलिए यहां पर देख सकते हैं जो सपोर्ट है, यहां पर जो फ्रीडम का सपोर्ट है उससे मैं यहां पर बात किया, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका गूगल एडसेंस बंद है तो पहले आप अपना गूगल एडसेंस को चालू करवाइए, आप पहले यूट्यूब का जो है आपका मोनेटाइजेशन है उसे ऑन कीजिए। दोस्तों मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर गूगल एडसेंस चालू करवा लेता हूँ तो MCN ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, और दोस्तों बिना गूगल एडसेंस चालू करवाए मैं अपने यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन है उसे ऑन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के साथ किसी और गूगल एडसेंस को लिंक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो ईमेल आईडी है उसी पर इस गूगल एडसेंस को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मेरा चैनल जो था ब्रांड चैनल में नहीं था, अगर मैं होता मेरा चैनल ब्रांड चैनल में तो मैं इसे किसी और ईमेल आईडी पर कन्वर्ट कर लेता है, फिर भी दोस्तों मुझे नया गूगल एडसेंस बनवाना पड़ता है, और जो मेरे पिछले गूगल एडसेंस में लगभग $300 रखा हुआ था वो मेरा बर्बाद हो जाता, वो अकाउंट मेरा बेकार हो जाता। तो दोस्तों जो फ्रीडम का कस्टमर केयर था उन्होंने हमें एक ईमेल आईडी दिया सपोर्ट टीम का, उनको बोला कि आप उन्हें मेल कीजिए, हो सकता है आपके जो YouTube चैनल है उसमें ये MCN ज्वाइन करवा दे। तो दोस्तों मैंने उनको भी मेल किया, एक अच्छा सा मेल किया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे एडसेंस बंद हुआ है और मेरे चैनल पर अभी मोनेटाइजेशन ऑफ है, क्योंकि अगर एडसेंस बंद है तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑफ ही रहेगा। तो दोस्तों उनका 24 घंटे के बाद एक ईमेल आया, एक स्वीट सा ईमेल आया फ्रीडम का जो भी यहाँ पर कस्टमर था, उन्होंने हमें ईमेल द्वारा बताया कि सॉरी आप फ्रीडम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले आप अपने यूट्यूब से कांटेक्ट कीजिए, आप अपना जो गूगल एडसेंस है उसे चालू करवाइए या आप अपने मोनेटाइजेशन को ऑन कीजिए। तो दोस्तों आप अपना गूगल का अगर मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहते हैं तो आपका यूट्यूब एडसेंस चालू रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपके सामने लाइव किया, यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ है, मैंने बहुत बार अपील भी किया है, सारे बार अपील रिजेक्ट हो जाता है,
दोस्तों एक ही रास्ता है अगर आप यहाँ पर एड्स पे पैसे कमाने का, वो है गूगल एडसेंस। जब तक आपका चालू नहीं होगा, बंद होने के बाद आप कोई भी एमसीएन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर कोई रास्ता और होगा तो आप नीचे कमेंट हमें बताएं, मैं वो भी ट्राई करूंगा। दोस्तों शर्मा जी ने बताया था इसलिए मैंने इसे ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, लगातार ट्राई किया, लेकिन दोस्तों मैं फेल हो चुका हूँ। मैंने बहुत बार यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया फ्रीडम से, और भी सारे एमसीएन हैं, मैंने सबसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला एक ही बात, उन्होंने बोला कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका मोनेटाइजेशन ऑन होना चाहिए। और दोस्तों मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपका गूगल एडसेंस भी ऑन रहना चाहिए, तभी आपके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन रहेगा। तो दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो आप समझ चुके होंगे कि क्या करना होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आप यूट्यूब पर अगर काम करने के लिए आए हैं, बिना पैसे के सोचे हुए आप काम करते जाइए, डेली वीडियो डालिए, और दोस्तों एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास गूगल एडसेंस आएगा, आपका गूगल एडसेंस चालू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक, मैं डेली यहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ। और दोस्तों आप हफ्ते में या 10 दिन में गूगल को अपील करते रहिए, गूगल का अपील फॉर्म फिल करते रहिए, एक दिन हो सकता है आपका गूगल एडसेंस चालू हो जाए। बस एक ही ये तरीका है दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ वेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई और तरीका हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका गूगल एडसेंस बंद हो चुका है तो कृपया आप लोग सैड ना हो, काम करते जाएं, एक दिन ऐसा होगा आपका गूगल एडसेंस चालू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंडियन यूट्यूबर हैं जिनका चालू हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।